नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोनू दे ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम अपने गांव का गौठान आए हुए हैं दोस्तों, और गौठान किस तरह से बनाई गई है छत्तीसगढ़ में, आज उसकी पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो गौठान बनाई गई है वो किस तरह से बनाई गई है, इसका पूरा ओवरव्यू आज के इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के गौठान के नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो छत्तीसगढ़ में बनाई गई है। ये जो गौठान बनाई गई है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन नागरिक सूचना पटल, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या राशि व्यय किया गया है। पूरी लिस्ट यहाँ पे एक सेट बनाई गई है, पूरी लिस्ट बनाई गई है यहाँ पर। और आगे देखते हैं हम, यहाँ पे एक गेट बना हुआ है दोस्तों गौठान में अंदर इंटर होने के लिए, जिसका काम अभी निर्माणाधीन है। चलिए दोस्तों हम आगे, और बहुत ही बेहतरीन दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। जो शासन की योजना है, काफ़ी बेहतरीन योजना है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। इस शौचालय का निर्माण किया गया है महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग, इसमें पूरी डिटेल्स हम दिखाना चाहेंगे। देखिए शौचालय अभी बंद है और यहाँ पर जो दृश्य है वो काफ़ी मनमोहक दृश्य बनाया गया है। लोगों के माध्यम से समझाया गया है कि किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह से देख पा रहे हैं आप, शौचालय का निर्माण यहाँ पर किया गया है। और ये देख सकते हैं नरवा गरवा खुर, या देख सकते हैं दोस्तों नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़। साथ में हम इधर भी दिखाना चाहेंगे, इधर का जो लोगो बना है, वो लोगो बना है इधर का, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का नाम देख सकते हैं, और राशि, कुल राशि और ग्राम पंचायत देख सकते हैं। पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें डिजाइन किया गया है दोस्तों, काफ़ी मनमोहक और रोचक दृश्य। इधर हम आपको दिखाएंगे जो कचुआ खाद का निर्माण किया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, एक कदम स्वच्छता की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें अभी कचुआ खाद की निर्माण की जा रही है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से बनाई गई है, और इस तरह से कार्य का नाम देख सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट टैंक निर्माण, बारह नाग मद मनरेगा राशि स्वीकृत कार्य एजेंसी। इस तरह से बहुत सारा जो काम है इसका, कार्य का नाम लिखा गया है, और ये सेट काफ़ी बेहतरीन लगता है। देख सकते हैं आप, काफ़ी बेहतरीन सेट बना हुआ है। जो है स्वच्छता के लिए बनाया गया है, शौचालय का निर्माण किया गया है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं जो गोबर खरीद की गई है उसको इस तरह से अभी कचुआ खाद में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस किए हैं ये लोग। तो बेहतरीन ढंग से जो योजना है वो संचालित हो रही है। अभी फिलहाल गोबर खरीदी बंद है, क्योंकि अभी हड़ताल चल रही है सचिवों की, जिसके कारण गोबर खरीदी नहीं की जा रही, लेकिन उसका भी वीडियो हमारे चैनल में आगे आप सभी को मिल जाएगी जैसे ही खरीदी चालू होगी। इधर और दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ तो फिलहाल अभी एक भी गाय हमें दिखाई नहीं दे रही है, शायद अभी एक भी गाय की यहाँ पर देख रेख नहीं हो रही है, लेकिन होगी। देख सकते हैं हम छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, देख सकते हैं दोस्तों लिखा है छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के लिए, पानी पिलाने के लिए। देख सकते हैं हम, बहुत सारा सेट बनाया गया है दोस्तों गौधन न्याय योजना के तहत, काफी बेहद रोमांचित कर देने वाला नजारा आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। यहाँ आने से सुकून मिलता है दोस्तों, मस्त, काफी शांति प्रिय है, और यहाँ पे ट्यूबवेल की भी व्यवस्था है पानी के लिए, और यहाँ पे बोर की व्यवस्था है, और सौर प्लेट के द्वारा बिजली की सप्लाई होती है, सौर ऊर्जा, जिसके माध्यम से
लगाए गए, 100 प्लेट लगाए गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चारे पानी की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बहुत सारा जो पैरा है उसे लाया गया है और इकट्ठा करके रखा हुआ है, ताकि जो हमारे गाय है वो यहाँ पे पैरा खा सके और उसका जीवन यापन इस गौठान में हो सके। इसके लिए पैरा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, लगभग 10 से 15 एकड़ के लगभग जो एरिया है उसमें गौठान के लिए सुरक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन नरवा घुरवा बाई की जो योजना है काफ़ी सफल सिद्ध हो रही है किसानों के लिए, जो कि गोबर के माध्यम से जो किसान जिसके पास गाय भैंस बैल है वो गोबर बेच रहे हैं तो उससे आमदनी हो रही है, काफ़ी खुश हैं किसान इस योजना से। गोबर जो खरीदी हो रही है 2 रुपए किलो में, जो योजना है गोबर खरीदी योजना छत्तीसगढ़ शासन की, काफ़ी बेहतरीन योजना है और इससे किसानों को काफ़ी लाभ हुआ है। और देख सकते हैं नागरिक सूचना पटल राष्ट्रीय महात्मा गांधी नागरिक सूचना पटल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, और गाँव का नाम वगैरह सब लिखा है। इधर एक तालाब जैसा निर्माण किया गया है छोटा सा, इसको भी मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं आप, पानी भरा हुआ है। यहाँ पर चिड़िया लोगों का काफी बसेरा है दोस्तों, यहाँ पर कोटना जिसे छत्तीसगढ़ में कोटना बोलते हैं, जिसमें गाय भैंस को हम लोग पानी वगैरह पिलाते हैं, जिसे कोटना के नाम से जानते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, कोटना को जिसे पानी वगैरह पिलाते हैं। ये देखिए कोटना का निर्माण किया गया है, देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे गोधन न्याय योजना लिखा हुआ है। और आगे हम दिखाते हैं इसमें अभी वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया निर्माणाधीन है, प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट निर्माण अभी की जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और ब्लॉग के साथ या ईटिंग चैलेंज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया तो, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो गौठान का ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।